गोरखपुर सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन पलामू दौरे पर पहुंचे। वो यहां पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, आपको बता दें, झारखंड में घुसबैठिए राज कर रहे हैं। झारखंड में क्यों चरम पर है लव जिहाद? यह सवाल फिल्म स्टार सह गोरखपुर सांसद रवि किशन ने पलामू में किया। रवि किशन पलामू में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचे। पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए रवि किशन ने झारखंड की सरकार पर कई टिप्पणियां की है। रवि किशन ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए राज कर रहे हैं, लव जिहाद चरम पर है। उन्होंने कहा कि आखिर इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देगा? झारखंड का राज आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों के खिलाफ ही षड्यंत्र रची जाती है और उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है। क्यों एक समुदाय की जनसंख्या कम हो रही है? यह किसकी साजिश है? क्या एक समुदाय को ताकतवर बनाया जा रहा है? झारखंड में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद एवं घुसपैठिए के खिलाफ वक्त आ गया है जवाब देने का। यह जवाब वोट के माध्यम से दिया जाएगा। रवि किशन ने कहा कि झारखंड में लोगों को बालू नहीं मिल रहा, बालू माफिया राज कर रहे हैं। बता दें, फिल्म स्टार और सांसद रवि किशन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें झारखंड आने के लिए कहा है एवं यह भी कहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोलना है। रवि किशन ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को झारखंड की सरकार धरातल पर नहीं उतार रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। ऐसे पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में हम माननीय विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे संगठन के मंत्री, हमारे संगठन के सब बड़े अध्यक्ष हम यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है कि पलामू में कितनी धांधली हुई, यहाँ की सरकार जो सबसे ज्यादा हम दुखी, जिसकी वजह से मैं पलामू आया हूं, कि यहाँ आदिवासियों की जो संख्या, मैं यहाँ कई सालों से शूटिंग करने, हम यहाँ भोजपुरी का आवत है, आदिवासी समाज की संख्या को धर्म परिवर्तन करके बदला जा रहा है। यहाँ घुसपेटियां आ रहे हैं, यहाँ अनगिनत घुसपेटियां आ रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि घुसपैठियों को यहाँ पर खदेड़ के निकाला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी द्वारा आदिवासी समाज को करोड़ों लाखों करोड़ की योजना है, यहाँ की सरकार उसको जमीन पर उतरने नहीं दे रही। भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर, गरीब यहां और गरीब हो गया। बालू माफिया आपसे छुपा नहीं, 6,000 रुपए में आप बालू की बिक्री, आप भ्रष्टाचार की हद देखिए। यही सब पीड़ा लेके इस परिवर्तन यात्रा को, कि अब कहेंगे नहीं, अब नहीं सहेंगे, अब परिवर्तन लाएंगे।